दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। हम सभी लोग रात को खाना खा करके तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठूस ठूस के हम भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती हैं। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भरकर खाना खाना, ये तो बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि यदि हम एक महीने खाली पेट सो जाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ। और खाली कैसे होगा, इस बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो अधूरा छोड़ दिया तो आज आप एक ऐसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती थी, जो आपको 80% बीमारियों से दूर रख सकती थी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बड़े ही ज्ञाता थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वो ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वो भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वो हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वो नियम सरल है, क्या उस नियम को हम सभी आसानी से अपना सकते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है, तुम भी अपना सकते हो। ये नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वो शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वो नियम क्या है। तब गुरु ने बताया कि वो नियम है, हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं, भूखा सोना है, मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वो महत्वपूर्ण है।
यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। ये नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वो प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वो कार्य करती है। वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वो उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वो अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर तीन प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन तीन प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो यह है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वो सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो बढ़ जाती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वो भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वो शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाक्त का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वो ये है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वो प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं
तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वो हीलिंग का कार्य जो है वो नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है, आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वो हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं, दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो, ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है, आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही, उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी ये ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9-10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो ये 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वो आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्धपचन हो जाता है, यानी कि पाचन का आधा कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सो जाते हैं तो सोने के बाद 1 बजे तक आपका भोजन ठीक से पच भी जाता है, यानी कि आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया और जो बचा वो रात्रि के 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो मरम्मत का कार्य करेगी, वो हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको कहा जाता है अर्ध उपवास।
या इसे प्रातकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वो उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वो भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है, लेकिन अगर आप रात को 8-9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें वो भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वो रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो ये प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको ये प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वो भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वो भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो हैं वो याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वो दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपहार सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वो बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वो ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वो निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है, लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं
और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, उससे ही चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वो उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑटोफिजिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी औषधि लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वो ये है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं, दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं जिससे समय निकल जाता है, आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वो भी बेहतर तरीके से काम करने लगेगी। इसके लिए आपको सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है। जब आप सोने जाएं, तो उससे पहले आधा छोटा चम्मच या फिर एक छोटा चम्मच सामान्य जल के साथ इसे ले लें। जब हम त्रिफला चूर्ण लेकर सोते हैं तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और भी बेहतर तरीके से काम करने लगती है। इसके बाद वो गुरु मौन हो जाते हैं और वो सभी शिष्य उन गुरु का धन्यवाद करते हुए अपनी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।